दोस्तों ये जो हीरो मेजिस्टर है इसका जो टैंकी का पीछे मैंने फुल टैंक जो है उसका जो ऊपर ढक्कन होता है वो लॉक खराब है, लग नहीं लग रहा। देखिए इसे लॉक दब रहा है लेकिन वो अटक नहीं रहा, तो इसको हम कैसे सही करेंगे पूरा खोल के आपको प्रोसेस दिखाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इसी वीडियो में, यहाँ पर भी आपको दिखा देंगे लॉक। ये हर कोई खोलना नहीं जानता है, यहाँ पर देखिए प्रेस लॉक, यहाँ देखिए प्रेस ओपन लिखा है ना, दाब के मैंने प्रेस मतलब दाब, ये ओपन मैंने मतलब बाएं तरफ घुमाइए, यहाँ पर तीर चिन्ह दिया है, घुमाएगा खुल जाएगा। तो ये ख़राब है इसलिए काम नहीं कर रहा है। देख लिया गाड़ी है, ये जो नट है दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर एक बोल्ट होगा, यहाँ पर भी बोल्ट दो होगा, ये स्क्रू पीछे चार आगे चार, दो आगे चार स्क्रू पीछे दो चार बोल्ट, ये आठों को खोलना होगा तब ये जो वाइजर उठ जाएगा ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम खोलते हैं, पहले स्क्रू खोल रहे हैं आगे का। यहाँ पर स्क्रू होगा, यहाँ पर लॉक भी होता है, तो आप देख के आराम से थोड़ा भाई बोनट को पीछे कीजिएगा, ये बोनट कहते हैं स्कूटर का, तो इसको थोड़ा पीछे करके खींचिएगा तब खुल जाएगा। ये भी ढक्कन खोलना भी होगा, नहीं खुलेगा तो भाई नहीं खुलेगा। ये भी वायर खोल के हम इसको साइड में लेते हैं, साइड में लेके लॉक को पूरा खोल निकाल के दिखाते हैं क्या हम क्या मतलब प्रोसेस करके ये सही होता है। तो यही हम आपको दिखा रहे हैं इसी वीडियो में। ये जो हम घुमा रहे हैं ये एग्जस्टर है, ये केबिन का यानी लूज हो गया, चाबी से काम नहीं कर रहा तो टाइट कर सकते हैं इसी से। और ये एक जॉइंट है ये बोनट खोलने के लिए, ठीक है, इसी ये एक लॉक है, हाँ ऐसे फंसता है। तो चलिए हम लॉक को खोल रहे हैं बाहर निकल के, चार स्क्रू होगा देखिएगा, बड़ा वाला स्क्रू, और चारों स्क्रू के खोलने से ही ये जो पूरा लॉक का सिस्टम जो है वो बाहर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इसको हम पूरा लॉक को जो हम बाहर ले रहे हैं आपको अच्छे से दिखाएंगे। यहाँ पर भी एक दो स्क्रू होगा, चार स्क्रू छोटा छोटा, वो स्क्रू को खोलने से पीछे वाला जो ढक्कन होता है लॉक का वो भी खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम खोलते हैं, तो पहले हम इसको ऊपर वाला ढक्कन को खोल लेते हैं। तो दो स्क्रू जो होता है वो अंदर होता है, उसको खोलने के लिए थोड़ा परेशानी होगा, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो हमारे पास है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि हाँ कैसे मतलब नॉर्मली से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये भी लॉक खोल मतलब स्प्रिंग जो है वो निकाल रहे हैं, ये ढक्कन अलग कर देंगे तब हम इसको स्क्रू खोल के हम लॉक को सही करेंगे। यहाँ पर एक प्लास्टिक रहता है ये भी डाल दीजिएगा, नहीं तो स्प्रिंग निकल जाएगा जब फिटिंग करने के टाइम। दोस्तों फिटिंग भी हम नहीं दिखाएंगे, अगर आपको कोई परेशानी आ जाएगा तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, हम आपको कहीं भी ये इसका काम नहीं रहेगा फिर भी हम टाइम मिल के ही हम आपको फिटिंग भी दिखा देंगे अच्छा से। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कीजिएगा, और वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा कि और दोस्त जो है वो भी सीख पाए हमारे वीडियो देख के।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो लॉक है ये खींच ले रहा है, मतलब अटकता नहीं है। तो हम एक प्लास लेंगे पकड़, कोई पकड़ करता तो उसी पकड़ की मदद से हम ये सही करेंगे। कुछ नहीं लगेगा, कोई दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ा सा थोड़ी सी दिमाग लगेगा। तो चलिए दोस्तों हम इसको निकालते हैं, यानी ये जो केबिन जो है ये बाहर खींच रहा है, ठीक है। ये जो केबिन जो है ये बाहर मतलब खींचा हुआ है, इसीलिए ये लॉक अटक नहीं रहा, ठीक है, ऐसे अटक नहीं रहा। तो हम इसको ये देख रहे हैं ना, ये अपने आप खुल जा रहा। तो अब हम इस लॉक को जो है यहाँ पर खोल के थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। क्या एडजस्ट करेंगे देखिए, निकालनी है क्या केबल को। देखो दोस्तों, ये यहाँ पर केबल जो लगता है वो थोड़ा लॉक की तरफ मतलब करीब कर लेंगे, लॉक की करीब यहाँ लॉक की तरफ दाब देंगे तो ये सिस्टम जो है सारा सही होगा। जब हम केबल को जो है लॉक केबल जो होता है उस केबल को जब हम फिटिंग करते हैं तो इसमें थोड़ा टना सा हुआ रहता है, मतलब खींचा हुआ रहता है वायर, इसीलिए ये लॉक काम नहीं कर रहा। तो ऐसे ही काम करता है, थोड़ा खींच दिया है। अब हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक प्लास्टिक का ये जो है ये लॉक होता है, ये वायर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये अच्छा से खुलिएगा और अच्छा से लगा दीजिएगा, अगर टूट जाएगा ये वायर कभी भी बाहर आ सकता है। अगर बाहर आएगा तो लॉक काम नहीं करेगा, तो ऑपरेशन में फंस जाएगा, पूरा खोलना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काम करने लग गया है और काम करेगा, ज़रूर करेगा ये ठीक। आप आजमाएगा, आपका काम पूरा सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा फुल फिटिंग करके आपको दिखा देते हैं। अब हम ढक्कन को हम कंप्लीटली लगा देंगे। ये लग गया दोस्तों है, ऐसा लगा लीजिएगा। और हम स्क्रू को लगा के सारे को फिटिंग कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम फिटिंग कर लिए हैं, आपको दिखाएंगे, सारा वीडियो दिखाते हैं। फिटिंग करना फुल तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए फिटिंग करना नहीं दिखाए, बैठाने तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आराम से बैठना होगा, नहीं टूट जाएगा। देखिए दोस्तों लॉक काम करने लग गया, देखिए वापस नहीं खुल रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ देखिए खोल गया, देखिए दोस्तों कोई परेशानी नहीं है। देखिए अगर कोई लॉक ख़राब हो जाएगा, ऐसे ख़राब हो जाएगा तो मत बोलिएगा कि हाँ ये ख़राब हो गया, ये चेंज करना पड़ेगा। ऐसे रिपेयरिंग भी होता है दोस्तों, रिपेयरिंग भी आप लोग कर सकते हैं, आप मैकेनिक हो तो। देखिए ये हीरो मैजिस्टर है मैस्टर, तो ये गाड़ी नई गाड़ी है फिर भी लॉक ख़राब हो गया है।